में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इतनी भयानक थी, इसकी लपटें काफी दूर से ही देखी जा सकती थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां पहुंची और 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान आसपास के एरिया को खाली करवाया गया और ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया। आग बुझने के बाद अब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस धुएं को और आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भयावह स्थिति रही होगी। जब ये आग लगी, घंटों लग गए फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में। अरे गाड़ी पानी के लिए भेजो, गाड़ी ये पानी के लिए भेजो। तो ये पानी है कि फायर? दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 10 घंटे का समय लग गया फायर फाइटर्स को इस आग पर काबू पाने में। यहाँ मौके पर बड़े अधिकारी पहुंचे। पीवीसी पाइप की फैक्ट्री थी और यही वजह थी कि बार बार जो है वो आग फैलती जा रही थी। इसमें लगभग सुबह से लेकर के 8 घंटे 9 घंटे का कंटिन्यूस एफर्ट लगा है और इस पूरी की पूरे प्रयास में नगर निगम पीथमपुर जो है उसके 5 बड़े पानी के टैंकर जो कि 20,000 लीटर के होते हैं और 10 छोटे पानी के टैंकर्स, 6 जेसीबी मशीन और आसपास के इलाकों से महू, इंदौर, धार, पीथमपुर से 14 फायर टेंडर्स का उपयोग किया गया। लगातार पानी डाल करके इस आग पे काबू पा लिया गया है। इधर आग ने मुरैना, इंदौर और रायसेन में भी कहर बरपाया। मुरैना में 3 झोपड़ियों में आग लग गई जिससे सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इंदौर में कार शोरूम के गैराज में आग लग गई, 10 से 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। रायसेन की बात करें तो वहां बिजली के खंभे में आग लग गई, खंभे से पटाखे की तरह चिंगारियां निकलना शुरू हुई और फॉल्ट के चलते घंटों यहां पर पावर सप्लाई गुल रही। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से आग ने यहां पर अपना कहर बरपाया है। मुरैना, इंदौर और रायसेन की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।